हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सबके सब? होप सो सबके सब बढ़िया हो गए, डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई आज मैं और मेरी बहन दी ये हम जा रहे हैं वो दवाई लेने के लिए दादी की। तो हम बड़े दिनों के बाद मोटो ब्लॉगिंग का मन किया तो मैंने खोल ली यार। और अब हम जाने वाले हैं अपने न्यू ब्रिज से, मतलब यहाँ पे नया जम्मू में फ्लाईओवर बना। नीचे नीचे से जाएँ ना तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, इसलिए हम नीचे से नहीं जाएंगे, ऊपर से ही निकल लेंगे। तो भाई जो जम्मू में नया फ्लाईओवर लगा है ना, मतलब ऐसे फील आती है कि हम कहीं बाहर आ गए हैं, जम्मू का लगता नहीं है। क्योंकि पहले पहले क्या होता था, जो सिद्रा का फ्लाईओवर था ना, बस वही एक फ्लाईओवर था और साथ में उसमें इतनी खास बिल्डिंग्स दिखती नहीं थी। साथ साथ यहाँ से ना पूरा ऐसे मतलब शहर दिखता है नीचे नीचे, तो बहुत ज़्यादा सही लगता है। अब ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं जल्दी से। अपाचे भाई, मेरी वाली अपाचे भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है यार। मेरा भाई लेके जाता है, कभी उसको ठोकाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब उसका लेग गार्ड है ना, जो वो भी एक साइड का बैंड हो चुका है। तो और स्टेयरिंग भी, मतलब स्टेयरिंग की वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं, स्टेयरिंग अलाइनमेंट, स्टेयरिंग की अलाइनमेंट आउट हो गई है। अब वो टेढ़ा रखें स्टेयरिंग तो वो सीधी जाती है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा वीडियो में पता नहीं चलेगा, बट जो चला रहा होगा ना उसको तो पता चलेगा ही। तो बस वैसा ही है। और ये फ्लाईओवर आ गया, यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें, ठीक है। यहाँ हम आ चुके हैं नए वाले फ्लाईओवर पे। देखो भाई, रजौरी 219 किलोमीटर, या पता नहीं 157, मैंने पढ़ा नहीं यार ध्यान से, ऐसे ही ऊपर ऊपर से बढ़ के आ गया। तो यहाँ से देखो नीचे से चला जाता है नीचे का रोड, ऊपर से जाता है ऊपर का, और हम जाएंगे ऊपर। अभी तो यहाँ पर टोल प्लाज़ा लगा नहीं है, नहीं तो जम्मू को टोल प्लाज़ा बना देंगे, फिर उसके बाद कहाँ ही जाएंगे हम। तो अभी सही है, टोल प्लाज़ा नहीं ना लगा हुआ, बाद में तो वो लगा ही देंगे। जब एक बार टोल प्लाज़ा लग गया फिर तो तुम्हें पता ही है। वैसे बाइक को क्या ही टोल प्लाज़ा देना है, तो भाई स्कूटी बहुत उछलती है यार। ये देखो भाई, ओयो आ गया, किसी को ओयो जाना है। देखो नीचे से दिखता नहीं था ना ओयो, देखो ऊपर आ गया तो ओयो दिख रहा है। किसी को जाना हो तो आराम से जा सकता है। ये देखो भाई, बहुत सही लगता है यार, लगता ही नहीं जम्मू में। अब ऐसा लगता है कि पंजाब वाली साइड, पंजाब में तो देख रखे होते हैं ना, जम्मू में नहीं है। देखो स्कूटी चल रही 63 पे, आराम आराम से खींचू तो खींच हो जाएगी 64 67 68 70 71 पर खींचेंगे। नहीं होता यहाँ से भाई, किसी को बाहर बूट से कुछ खरीदना हो तो यहीं से चले गए, तेल मंगवा लो यहीं से, आवाज़ मारी तेल आ जाएगा, ठीक है ना। ये है कि सब कुछ ऊपर ऊपर से हो गया ना, जल्दी जल्दी जहाँ भी पहुँचना होगा लोग पहुँच जाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था इन शॉर्ट। अब कहाँ है मुझे नहीं पता, बस आई है। दुपट्टा आंटी का दुपट्टा, आंटी का दुपट्टा थोड़ा नीचे था उनको बता दिया। चल रहे हैं, अभी कहाँ पहुँचे हम पता नहीं है, जब नीचे उतरेंगे फिर देखते हैं कहाँ बोलना कहाँ पहुँचते हैं। मतलब सही है यार, और स्कूटी है, स्कूटी को क्या ही तेज बनाना, आराम आराम से एवरेज लेके चलते हो। तुम्हें दिखाता हूँ ये देखो, तो भैया वहाँ से थम्स अप कर रहे थे, भैया को भी हम थम्स अप कर दिया और चलते हैं। बस स्कूटी दिखा रहा था, मैंने ली भाई बनैली को, बनैली पे मम्मा को घुमाना। हाँ सही है, ये है शायद खुला है, बंद है पर देखना, ये दुकान खुली है, ताला है। ताला तो कहाँ जाएगी, कॉल क्या करना है, वो बंदा घर पे होता है, घर पे जाना पड़ेगा। तो भाई अभी जाएंगे उसके घर पे बंदे के, मेरे को याद नहीं है यार पिछली बार मैं गया कहाँ से था ना, थोड़ा मेमोरी, अपनी मेमोरी को बोलना पड़ेगा भाई जाग। ये जाता है रास्ता ऊपर को, इधर से गया था, आगे से गया था यार शायद,
शायद ही है, याद तो नहीं है अच्छे से। ये जगह नहीं है यार, वो बहुत ज़्यादा खुली जगह थी, ये तो बिल्कुल नहीं है। कहीं और से जाना पड़ेगा। की तो नहीं है, ये क्या है? ऐसे डेस गुप्ता बर्तन स्टोर, हाँ ये आ गया, बिल्कुल सही आया भाई। देखा भाई की याददाश्त बहुत तेज़ है यार, भाई एक बार आ जाता ना फिर भूलता ही नहीं है। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि सही तो हम आए थे, और वो जो अंकल जा रहे हैं ना स्कूटी वाले भैया, तो इन्होंने बोला था भाई यहाँ पे तो है नहीं दुकान पे, पहले मेरे को घर पे भी लाया था यार लेने के लिए, तो अब मेरे पास इनका नंबर वगैरह था नहीं, मैं इधर ही आ गया सीधा। वो कह रहे हैं इधर नहीं है, दुकान पे है। कहते चलो, आया 10 मिनट में, अब देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे। A few moments later. तो भाई ले लिए दवाई, अब हम यहाँ से लेंगे, और पारुल चलाएगी स्कूटी यहाँ से आगे से मोड़ से, और डर लग रहा है। बैठ, हाँ हाँ मोड़ के दूंगा ना, बहुत ज़्यादा बिजी रोड है यार ये, यहाँ पे चलाते पारुलों की तरह ही है बस वाले स्पेशली, तो और इसको आदत भी उल्टी सी है लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की। तो चलो देखते हैं इसको चला लेगी। बैठने की तो चार्ज है नहीं, ये तो खोले नहीं थे। Women. हाँ बड़ा भरोसा करके बैठा हूँ, आहिस्ता चलाना, आहिस्ता चला। इतना क्यों घुमाया हुआ एक्सीलेटर को, आहिस्ता चलना, और ज्यादा तेज ब्रेक मत मारना, और लेन चेंज मत करना, आहिस्ता चल। 50 में चल रही है। भाई ये थोड़ा बिजी रोड है, इस पे आस्ता चलो आप। मेरे को तो ऐसे दग दग हो रहे लग रहे हैं, पीछे बैठ के चलने का भी एक अलग मजा है, ऐसे राजा वाली फीलिंग आती है। ता जाम लगा, जाम में कुश्ती चली जा रही है, आस्ता नहीं हो रही है, आस्ता। तो पीछे से ब्रेक नहीं लगा सकती थी, इधर पास आके जरूरी डराना था। तू डरा रही है, ब्रेक ब्रूक का नहीं लग रहा तुझे पता, उधर पीछे जाके उनके ब्रेक लगा रही है, पहले लगा सकती, आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू कर दी। भाई डर का माहौल है। ए नहीं नहीं तुझे मैंने पे कितनी बार बोल रहा है पारुल, लेफ्ट राइट से नहीं किया करो ओवरटेक। हाँ यही आइड नहीं करना, और कोई ही आइड होती है लेफ्ट, अनपढ़ गई कॉलेज में पहुंची, लेफ्ट राइट नहीं पता। ये करते हैं तो करते हैं, पर तू इस साइड से किया कर, अभी तू बिगिनर है, उनको देख देख के नहीं करना होता है। ओ जल्दी जल्दी चलो ब्रावा, टो देगी। मेरे को ऐसे धक धक हो रहे हैं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाय हाय भाई दिखा रहा है ना तुम्हें, देखो ये देखो इस साइड देखो, ये जा रहा है वो पूरा घूम के आता है ना, वो कौन सी जगह आती है, केड़ी जगह आती है पता नहीं यार, एक जगह ही नहीं। देख कितनी पास से गया, डरा रहा है भाई आगे, ये डरा रहे हैं, एक पलोड़ा। लगी तो नहीं मेरे व्यूअर्स को, ओ ले 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 कुछ नहीं होता, इधर चल, इस पे चल, इस पे चल, आहिस्ता चलना, बोला 40 से ऊपर नहीं जाना, फेंक दूंगा इधर से नीचे। डर का सामना विद करण भारद्वाज, विद केबी भाई। ओए ज्यादा जल्दी होगी, 5 मिनट
ऐसे चलने से तो भाई लेट हो जाते हैं। भाई बस सही सलामत घर पहुंच जाए। हे भगवान, आज मेरे को सही सलामत घर पहुंचा दे रे बस एक बार। आहिस्ता तो भाई अभी हो रहे हमारे लिए कुछ पैक बता। ये जो 50 रुपए है ना, ये पता किसके है? तेरे। कहाँ से मिले? मम्मा कपड़े नहीं धो रही थी तेरी पैंट के अंदर से मिले थे। यार क्या लोग हैं यार, बहुत बुरे लोग हैं भाई ये। इसलिए मैंने कहा था बाद में बताऊंगी, मैंने तो खाने नहीं देगा। देगा पहले मेरे को घर से ले गए, कहती गोलगप्पे खाऊंगी ना फिर सिगरेट बताऊंगी। सिगरेट ये था कि पैसे मेरे थे। आए हाय, मुझे भूल जाता है यार। ओ चूना लगा दिया। तो भाई यही रहा कुछ आज की वीडियो में, और सही सलामत मैं घर पहुंच गया भाई। तो बस जान बची तो लाखों पाए, तो बच गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड।